अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज तुलबा तालबात, एक बार फिर से इस्तकबाल है आपका डिजिटल स्कूल में। आज हम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स प्रैक्टिस सेट नंबर 28 इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। पहला पार्ट चैनल के प्लेलिस्ट में भी मौजूद है और डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप के अंदर भी मौजूद है। ये ऐप प्ले स्टोर में मौजूद है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहले बच्चे शुरू करते हैं। 35 और 65 का यहाँ पर रेशो मालूम करने का है, तो सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर द रेशो 35 to 65। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करता हूं। इज इक्वल टू 35/65। अब ये दोनों कौन से टेबल में आते हैं ये बात हमको देखना है कि किससे डिवाइड करने का है। तो एक बात ध्यान में रखिए, डिविजिबिलिटी 5 से ये डिवाइड होते क्योंकि यहाँ पर यूनिट प्लेस वन पे देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पे 5 है। तब देखिए 5 × 7 = 35, 5 × 7 = 35 होता है। उसी तरह से 65 को देखिए यहाँ पर डिवाइड करने के बाद हमको यहाँ पर आंसर मिलेगा 13, क्योंकि 13 5 से क्या हो जाते हैं 65 हो जाते हैं। तो चलिए अभी 5 × 5 ये कट हो जाएंगे और यहाँ पे जो बचेंगे ये है 7/35 = 7:13। तो 35 और 65 का रेशियो है यहाँ पर 7:13। तो इस तरह से हमने 5th क्वेश्चन सॉल्व किए। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पर 121 और 99। तो 121 और 99 का यहाँ पर रेशियो मालूम करने का है। तो चलिए सबसे पहले इस तरह से लिखेंगे द रेशो 121 to 99। इस तरह से लिखेंगे, उसके बाद क्या करने का है इसको यहां पर लिखेंगे इसमें इज इक्वल टू का सिंबल देंगे 121/99। अब ये दोनों को एक ही डिजिट से यहां पर हमको डिवाइड करने का है। तो ये 11 × 9 = 99 होते हैं, उसी तरह से ये 11 का स्क्वायर है। तो चलिए 11 × 11 = 121, क्योंकि 11 का स्क्वायर है। उसके बाद 11 × 9 = 99, फिर 11 × 11 = 11 यहाँ पर क्या हो जाएंगे कट हो जाएंगे। अब यहाँ पर जो बचेंगे वो 11/9, तो आंसर हमारा है 11:9। इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर सॉल्व किए। आइए अब हम अगले हिस्से की तरफ चलते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।